नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स की। क्लास नाइन्थ यानी वे बच्चे जो आठवीं का एग्जाम दिए हैं और अभी दसवीं, आठवीं के बाद दसवीं नहीं नवीं में जा रहे हैं। वे बच्चे जो आठवीं का एग्जाम देकर अब वो जा रहे हैं नाइन्थ क्लास में, इन बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजन रहती है। पहला है कि एकेडमिक सेशन को लेकर। एकेडमिक सेशन क्या होता है मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आठवीं से नौवीं में आप जाएंगे तो क्या क्या आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप वो गलतियां नहीं करेंगे और पूरी जानकारी मिलेगी इसमें आप लोग को, आपके सेशन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आप क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग का इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसीलिए यदि आप नाइन्थ में जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगी, काफी यूजफुल साबित होगी। इसलिए आप क्या करें कि इस चीज का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप इस चीज को पढ़ें तब तुरंत आप क्या करें कि एक बार सारी चीजों को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें। एकेडमिक सेशन की बात आप करेंगे तो एकेडमिक सेशन क्या होता है समझ लें। अभी आप नाइन्थ में जा रहे हैं तो ये वर्ष कौन सा है, कहेंगे कि सर ये ईयर है 2023 का। क्या आपका 2023 में ही एग्जाम हो जाएगा, क्या आपका 2023 में ही एग्जाम हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, एग्जाम हमारा अगले साल होगा 2024 में। तो फिर यही आपका एकेडमिक सेशन बन गया, 2023 से 24 आपका एकेडमिक सेशन है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि ये नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, UPMSP, ये क्या है तो उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिए, यू का मतलब उत्तर, पी का मतलब प्रदेश, एम का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आपका ये बोर्ड है। और इस बोर्ड के अनुसार बच्चों, इसके दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से आपकी क्लासेज, आपका ये जो नया एकेडमिक सेशन है स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट है। आज का जो तारीख है वह 31 मार्च है, कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और कल से जो आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन में आपको कई गलतियां नहीं करनी है। पहली चीज, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नाइन्थ क्लास में, रजिस्ट्रेशन में कोई गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई तो अगली साल जब आप बोर्ड एग्जाम में होंगे, बोर्ड एग्जाम में वहां भी वो चीज आपके लिए भारी पड़ जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता जी का नाम, इसकी स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दे के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप मिला लें कि कितने वर्ष के हो रहे हैं अभी नाइन्थ क्लास में है तो, ठीक है। जैसे नवी में है तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि 16-17 साल हो गए और नाइन्थ में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, कुछ कम करवा लीजिए, ठीक है, 12-13 वर्ष करवा लीजिए। क्या करना है आपको, अपनी उम्र को ऐसा रखना है ताकि 12वीं एग्जाम में जब आप जाएं, ठीक है, तो उसके बाद आपको 1-2 साल तैयारी करने के लिए तो कम से कम मिल जाए। इसलिए डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो पता चले कि नाइन्थ आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नाइन्थ आप शुरू कर रहे हैं 16 साल की उम्र में और 10, 11, 12 जाते जाते आपकी उम्र 20 साल हो गई, तो फिर धीरे धीरे आपका समय भी निकल जाएगा, ठीक है, जो कंपटीशन देखने की उम्र होती वो भी निकल जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ यदि किसी का बहुत अधिक है तो अपना संशोधन करवा के ही अपना क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये रही बेसिक जानकारियां आपका, जो जो गलतियां बच्चे हमारे करते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में, रजिस्ट्रेशन के नाम में, ठीक है, और नाम किसका किसका, माता पिता का, आपका नाम, और ठीक है बच्चों, साथ ही पता का भी ध्यान देंगे, सही पता डलवाएंगे, ठीक है, सही है, आधार कार्ड सबके पास होना ही चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आप लोग का। अब देखिए 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू हो रहा है, ये आपका जो यूपी बोर्ड है UPMSP, इन्होंने क्या कर दिए, एक नोटिफिकेशन जारी की है और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है, बकायदा बताया है कि 1 अप्रैल से जो हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है, इसमें बच्चे किस महीने में,
कितना पढ़ेंगे, जैसे अप्रैल का महीना है तो अप्रैल में कई चैप्टर आपको मैथ पढ़ना है, कितना चैप्टर आपको साइंस पढ़ना है, कितना चैप्टर आपको SST पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, सारी चीजें। अच्छा एक चीज याद आया, आपको सब्जेक्ट वाली भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आठवीं में आप पढ़ते थे 8 सब्जेक्ट, अब अभी आप आ गए 9th में और अब आप पढ़ रहे हैं 6 सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की भी प्रॉब्लम होगी कि क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सारी चीजों को विशेष ध्यान देने की चीज है। ठीक है, सारी चीजों को विशेष ध्यान देने की चीज है, इस चीज का विशेष आप ध्यान देंगे। 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन कौन सी होंगी इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कुछ ही देर में आप लोग के लिए, तो ये सारी चीजें समझ गए आप लोग। ठीक है, और हाँ, ये जो आपका मंथली इस महीने में क्या पढ़ना है इसकी भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज का मतलब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है, जितना आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है उतना मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हाँ एक चीज बताना भूल गया कि 1 अप्रैल से जो आपका नया सेशन यूपी बोर्ड शुरू करवा रहा है उसी 1 अप्रैल से हम भी अपनी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। क्लासेज आपको अभी शुरुआत में मिलेगी साइंस की, इंग्लिश की और मैथ की, ये 3 क्लासेज आपको मिलेंगी इंग्लिश साइंस मैथ की, तो जुड़ना ना भूलिएगा 1 अप्रैल से। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें समझ गए, आपका सेशन क्या होगा, ठीक है, बोर्ड कौन सा है उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेज आप लोग को कल से देखने को मिलेंगी, और एक चीज मैंने बताया कि मंथली जो आप लोग का सब्जेक्ट वाइज आया हुआ नोटिफिकेशन उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट 9th के बच्चे ले सकते हैं।